तो है गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचआर एडिटिंग जोन में। तो गाइस, आप जैसा स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, आज हम वैसा फोटो एडिट करने वाले हैं। तो ऐसी फोटो एडिट करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार की फोटो क्लिक करवानी होगी, यानी कि खिंचवानी होगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अपनी फोटो को बैकग्राउंड को एकदम अच्छी तरह से इरेज कर लीजिए। इरेज करने के बाद अब जो इस वीडियो में मैं बताया हूँ आपको स्टेप, उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपकी फोटो अच्छी तरह से एडिट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस फोटो में हम जो बैकग्राउंड यूज करने वाले, ये बैकग्राउंड ये रहा। अब आपको भी इस बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसको पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आपको इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना, आपको बस सिंपली आना है ऐड फोटो में, और जो आपने फोटो एडिट किया था आपको उस फोटो को ले लेना है। तो मैं ऐड फोटो में आ जाता हूँ और जो मैंने फोटो एडिट किया उसको ले लेता हूँ। तो मैंने फ़ोटो जो एडिट किया था उसको ले लिया हूँ, और इसको अच्छी तरह से फ़ोटो पे फिट कर देता हूँ बैकग्राउंड पे। फिट करने के बाद आपके जो माथे का ऊपर वाला साइड हुआ जो आप देख रहे हो, आपको उसको क्रॉप करना होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप में, और क्रॉप करने के बाद वहाँ तक मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, फिर आपको डन कर देना होगा। डन करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को एकदम अच्छी तरह से फिर से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ डन कर देना है, फिर आपको ऐड फोटो में आना है, और आपने फोटो को जो इरेज किया था आपको फिर वो लेना है। तो मैंने ले लिया है, और लेने के बाद आपको फिर से इसको वैसे ही सेट कर देना जैसे कि पिछले वाले फोटो को सेट किया था। फिर आपको अब अपने माथे के नीचे वाले साइड को क्रॉप करना है। तो मैं यहाँ क्रॉप पे चल जाता हूँ और नीचे वाले साइड को क्रॉप कर लेता हूँ, और डन। अब आपको इसके बगल में जैसा कि मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको इसको लगाना है, तो मैं लगा लेता हूँ, ऐसे सेट कर देना, फिर आपको डन कर देना। आपकी फ़ोटो आधी बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये फ़ोटो अच्छी तरह से एकदम अच्छी नहीं लग रही है। तो अब आपको क्या करना, आप और जो मैं PNG यहाँ यूज करने वाला हूँ वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस PNG को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं अपने उस PNG को ले लेता हूँ। तो मैंने उस PNG को यहाँ ला दिया। अब अपने PNG को यहाँ पर ऐड कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और याद रहे कि जो अपने PNG के कॉर्नर वाली साइड है आपको अपने माथे के कॉर्नर साइड से एकदम मैच करवा के लगाना होगा। तो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये लग गई है। फिर आपको यहाँ डन कर देना है, और फिर आपको ऐड फोटो में जाना है, वही PNG लेना है। तो मैंने वही PNG ले लिया। अब इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट करने के बाद अपने इस वाले आधे जो ऊपर बाल वाले हिस्से पे मैं लगा देता हूँ। तो आपको भी वही करना है, आपके दोनों कॉर्नर को देख के एकदम अच्छी तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, और आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आप देख सकते हो आपकी फ़ोटो आधी से ज़्यादा एडिट हो ही चुकी है। फिर यूज कर रहा हूँ, पिन से आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रही वो PNG, और आपको इस PNG को अपने सर के ऊपर, मतलब कि जो इस वाले जहाँ मैं लगा रहा हूँ आपको वहाँ लगा देना है कुछ इस प्रकार। लगाने के बाद आपको डन कर देना है और दूसरी PNG ले लेनी है। अब इस PNG को अपने सर के बालों के पास वाले पे ऐड रख दीजिए। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और वो इसको डन कर दीजिए। अब डन करने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, और सबसे पहला जो HDR है आपको उस पर क्लिक कर देना है, और फिर अनसार्प को थोड़ा कम करके फेडेट को थोड़ा 15 तक रख दीजिए, सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लीजिए बस। अब आपकी फोटो तैयार हो गई है। अब इसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है, और जो बढ़िया आपको इफेक्ट लगता है, जैसे कि कोई भी इफेक्ट लगा के देखिए, जो बढ़िया लगता है आप उसको लगा लीजिए और डन कर दीजिए। फिलहाल मैं HDR पे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो मैं इसको HDR पे रखता हूँ और अपने फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ।